पिछली सरकार और वर्तमान में कार्यरत सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने महिला के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और उनका दावा है कि महिला के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए, महिलाओं के विकास का, महिलाओं के सशक्तिकरण का और महिलाओं के उत्थान का और महिलाओं के सम्मान का बहुत ख्याल रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। उनका एक महत्वपूर्ण नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद सुकन्या कन्या विद्याधन। उनका एक महत्वपूर्ण लाइन ये भी था कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पिछले 5 साल में महिलाओं का कितना सम्मान हुआ और अभी महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने महिलाओं का कितना सम्मान किया तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। नमस्कार, भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ पल्लवी राय। दोस्तों, लव जिहाद के मामले में योगी जी का वो बयान तो आप लोगों को याद ही होगा जिसमें योगी जी ने कहा था कि अगर मुसलमान युवक हिंदू युवक की एक लड़की को ले जाता है तो हम उनकी 10-10 लड़कियों को ले आएंगे। उनका महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है उनके इस बयान से हमें नज़र आ गया था कि अगर एक लड़की के साथ बुरा होता है तो हम 10-10 लड़कियों के साथ बुरा करेंगे। इस तरह का महत्वपूर्ण बयान देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कितना बड़ा पद दिया, उन्होंने कितना बड़ा सम्मान दिया और यूपी का सीएम बना डाला। यानी कि आप महिलाओं के प्रति जितना बड़ा सम्मान दिखाएंगे आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उतने ऊँचे ऊँचे पद मिलते जाएंगे। ये तो हुई योगी जी की बात। मुझे गुजरात के एक सांसद का कृत्य याद है, कैसे उन्होंने एक महिला जो अपनी समस्या को लेकर उनके सामने आई थी उस समस्या को सुने बगैर ही उन्होंने कैसे उस महिलाओं को मारा था और समस्या भी नहीं सुनी और बहुत पीटा, जूते तक का प्रयोग किया उन्होंने उस महिला के लिए। उनका नाम था बलराम थवानी। उन्होंने कैसे महिला का सम्मान किया था जूते से और भड़े सड़ेआम रोड पे कैसे उन्होंने जूते से महिला को पीटा था, क्योंकि उस महिला की सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने अपनी पानी की समस्या को लेकर विधायक के पास पहुंची और वो बताना चाहती थी कि उसके समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, उसके क्षेत्र में पानी को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं। इस समस्या को बताने के लिए वो पहुंची थी महिला, तो उसका कितना बड़ा सम्मान किया था बलराम थवानी ने, ये हम लोगों को याद है। उसके बाद माफ़ीनामा आया और बहन भाई बन गए वो लोग, ये तो बाद की बात है, लेकिन उस एक किर से महिला का कितना सम्मान हुआ था ये हमने देख लिया। तो यहाँ तो हम बारी बारी से सांसदों को देखेंगे कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान में कितना बड़ा बड़ा काम किया है। अब मैं इन सब फालतू के बात में वीडियो का समय नहीं गंवाना चाहती हूँ कि लोगों ने कितना बड़ा बड़ा काम किया है। आज की वीडियो का मेरा मेन मोटिव एक महिला है, उन्होंने महिलाओं के सम्मान में इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे आज वीडियो बनाना पड़ रहा है और मैं उन महिला की बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ और आप भी मुझे बताइएगा कि उनकी इस बात के लिए उन्हें कितना बड़ा पद देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में जो जितना अच्छा बात बोलता है, जो जितनी बड़ी बात बोलता है उसे उतना बड़ा बड़ा पद मिलता है, जैसे सीएम का पद मिल जाता है, उसे विधायक बना दिया जाता है। तो इस महिला को क्या बनना चाहिए इस बयान के बाद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। ये महिला भी बीजेपी से ही जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी हैं। कुशीनगर के मंडल अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सुनीता सिंह गौर। फिर से सुन लीजिए, कुशीनगर की मंडल अध्यक्ष हैं सुनीता सिंह गौर और एक प्राइवेट स्कूल की डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है आज, और आज हमें समझ लेना चाहिए कि इन्होंने जो बात कही है उससे कितना भला हो रहा है, और ये बात भी समझ लेना चाहिए कि उन्हें कौन सा पद मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप महिला के सम्मान में इतनी बड़ी बात कह रही हैं तो आपका पोस्ट भी तो बड़ा होना चाहिए ना। जिसको सत्ता का गुमान हो जाता है, जिसको सत्ता का गुमान हो जाता है वो ऐसी ही बात करता है। इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। इन्होंने लिखा कि इनके साथ ऐसा ही उपाय होना चाहिए, यानी कि ये मुसलमानों के बारे में इतनी ओछी बात कह गई, इतनी नीची बात कह गई इन्होंने। इनकी सोच पे ही मुझे संदेह होता है कि ये महिला है कि नहीं। इन्होंने क्या कहा सुनिए, इनके साथ ऐसा ही उपाय होना चाहिए। दस हिंदू भाई एक साथ मिलकर इनकी बहन और इनकी माँ के साथ खुलेआम सड़क पर बलात्कार करें,
फिर उन्हें काट कर खंभों से लटका दें, बीच बाजार में टांग दें। पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। जब मुसलमान औरतों का घर से निकलना दूभर हो जाएगा तब जाकर ये मुसलमान अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यदि हमें भारत को सुधारना है तो हिंदू भाई बहनों की रक्षा करनी है तो 10-10 और 20-20 हिंदुओं का ग्रुप बने और प्रत्येक मुसलमान के घर में घुसकर उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटें और उनका बलात्कार करें। इसके अलावा उनको कोई उपाय ही नज़र नहीं आ रहा। इस बयान पे मेरा व्यक्तिगत तर्क क्या है, मैं व्यक्तिगत क्या सोच पा रही हूँ, वो मैं रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, इनके इस बयान से कहीं ना कहीं ये किसी पुरुष प्रधान प्रवृत्ति को जगाने की कोशिश कर रही हैं, और अगर ये सोच रही हैं कि इनकी जो ये बात है उससे सिर्फ जो हिंदू युवक हैं वही मोटिवेट हो रहे हों तो ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान वाली बात हो रही है। अगर ये हिंदू युवक के बारे में ऐसा कह रही हैं तो मैं बिल्कुल तर्क के साथ कह सकती हूँ कि ये बातें कहीं ना कहीं मुसलमान युवकों को भी भड़का रही होंगी। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपके घर में ऐसा करने आएगा तो क्या आप सेल्फ डिफेंड के लिए, क्या आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे? मैं नहीं समझ पा रही कि ये जो लोग ऐसा कहते हैं वो ये कैसे भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाला है। ये तालिबान नहीं है कि यहाँ गोली बारूद और अपने अपने हिसाब से लोग अपने तरह से काम करें। दो तीन बातें हैं इनके इस बयान से। सबसे पहले तो ये समुदाय को लड़ाने की कोशिश करना चाहती हैं, ये हिंदू मुस्लिम का जो बात है वो बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। दूसरा और तीसरी बात ये है कि ये महिला होकर महिला के बारे में इतनी बुरी सोच रखती हैं तो इन्हें आप किस तर्क से लेना चाहते हैं? आप पूरी महिला समाज के बारे में ऐसा कह रही हैं। आप अगर सोच रही हैं कि आप ऐसे बयान देके हिंदू महिलाओं को बहुत गौरवान्वित कर रही हैं या हिंदू महिला आपके साथ सपोर्ट में है, तो मैं खुद हिंदू होने के बाद ये कह रही हूँ कि आपका ये बयान बहुत ही गलत है। और आपके इस बयान से सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को ही नहीं, हिंदुओं को भी बुरा लग रहा है। आपकी इतनी गिरी हुई सोच है और आप एक स्कूल की डायरेक्टर हैं तो आपकी इतनी नीची सोच है तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? आप बच्चों को भी यही हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रही हैं? और आप क्या सोच रही हैं कि आप हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाकर समाज को आगे ले जा सकती हैं? मैं यहाँ इनसे यही पूछना चाहती हूँ, जो कुशीनगर की मंडल अध्यक्ष हैं सुनीता सिंह गौर, ये बताइए कि आपकी इतनी छोटी मानसिकता लेकर आप समाज को कितना आगे ले जाएंगे? और आपकी इस छोटी सोच की वजह से हम लोगों को भी दिक्कत होती है। तो मुझे आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इनके इस बयान के लिए इनके साथ क्या होना चाहिए, इन्हें कौन सा पद दे देना चाहिए। बीजेपी से ये सिफारिश की जाएगी कि इन्हें और अच्छे पोस्ट पे पहुंचाया जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम करती हैं, और जो महिलाओं के सम्मान में इतनी अच्छी अच्छी बात कहता है उसे अच्छे अच्छे ऊँचे ऊँचे पोस्ट पर भी भेजा जाता है। तो इनके लिए कौन सा ऊँचा पोस्ट सुव्यवस्थित और मस्त वाला रहेगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।